अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना। मैं आज आपको बताऊंगी कि मैट्रिक्स क्या है और मैथ्स में मैट्रिक्स की टर्म्स को किस तरह से जो है वो यूज़ किया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे आपको पता, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैट्रिक्स जो है बेसिकली जस्ट अ टेबल ऑफ नंबर्स हैं, चाहे वो रैंडमली नंबर्स क्यों ना हो। यहाँ पे जो है वो टेबल ऑफ नंबर्स यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे, और उसको अगर हम किसी अल्फ़ाबेट से जो है वो शो करते हैं, यानी कि एक कंप्लीट सेट बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ए। वो ए हो जाता है, यानी कि ए सेट हमारे पास आ जाएगा, और दिस इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो है यहाँ पे मैट्रिक्स कहलाएगा। अब अगर मैं इस कंप्लीट सेट को जो है वो मेंशन करती हूँ ए से, यानी कि बोल्ड ए। आपको पता है कि बोल्ड ए किसी भी चीज़ को जो है वो डोनेट करने के लिए होता है, और इस ए में जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे कि ए जो है वो 2x3 है, 2x3 है, यानी कि इसके अंदर 2 जो है वो रोज़ हैं और 3 जो है वो इसके अंदर कॉलम्स हैं। इस तरह से आप ये देखें कि 1 हमारे पास ये है कॉलम, एक ये है, एक ये है, और इस तरह से जो है ये हमारे पास 2 जो है वो रोज़ हैं। तो ये हमारे पास हो गया है 2x3, और ये कंप्लीट जो है हमारे पास ये जो है आपका मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं एक और सेट जो है वो बी वो शो कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बी बोल्ड बनाया है और उस पर मैंने लिखा है 5x2, यानी कि 5 हमारे पास जो है वो हो जाएंगे, 5 हमारे पास जो है वो रोस हो जाएंगी, एंड 2 जो है वो हमारे पास कॉलम्स हो जाएंगे। इसी तरीके से देखें, 5 हमारे पास रॉज हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल रैंडम नंबर्स मैंने इसमें मेंशन किए हैं, और 2 हमारे पास जो है यहाँ पे कॉलम्स आ गई हैं। ये हमारे पास जो कंप्लीट सेट है ये मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अंदर आप एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। राइट, मैं भी आपको बता देती हूँ कि हम इसको जो है इस किस तरह से जो है इसका सॉल्व करने का तरीका है। मैट्रिक्स को 2x3 है, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये 2x3, यानी कि फर्स्ट रो में जो है हमारे पास 2x3 है, तो फर्स्ट और ये सेकंड हमारे पास है रो। इसमें हमने देखा है कि 2x2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड रो में जो हमारे पास नंबर आ रहा है, मिड नंबर जो है वो हमने ले लिया है 0, यानी कि सेकेंड रो की जो है वो सेकेंड कॉलम में जो है हमारे पास जो नंबर है वो 0 है, यानी कि ए जो है वो 2x2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से ए का जो है हमने एक सेट मालूम किया है 2x2 = 0, अगर हम इसको स्मॉल लेटर में भी लिखें 2x2 = 0 तो बात बराबर होगी। और अगर अब मैं इस तरह से दूसरा मालूम करती हूँ कि ए अगर 1 जो है हमारे पास रॉ है और कॉलम के उसमें जो है 3 नंबर का हम देखते हैं, 3 कॉलम में देखते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 2, यानी कि 1 रॉ और 3rd कॉलम में जो हमारे पास नंबर है वो मिड हमने लिया है वो है 2। तो ए यानी कि सेट ए का जो है वो 1x3 जो है वो 2 आंसर आया है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स जो है वो मालूम कर लेते हैं। शुक्रिया।